भैया क्रश होंगे बहुत लड़कियों के, वो तो भाई भाई भाई। वो तो होगा ही वैसा वाला सीन। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप लोगों को पूछना होगा, बताना भैया से जरूर पूछेंगे। क्यों भैया वैसे नहीं, आपकी शादी वादी कब हो रही है भैया? नहीं अभी नहीं होगी, अभी सेटल होंगे। जब तक अकाउंट में कुछ ना कुछ अच्छा खासा लाख दो लाख महीने में दिन में सही बात आए तो सही बात, मजा नहीं आएगा। सही बात है। हेलो जी, हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सैंडविच जंक्शन से। हम लोग आए हैं भाई सैंडविच खाने के लिए, और हम लोग आए थे एक मोमोज की ओपनिंग में। चलो देखते हैं क्या क्या होता है। भाई तुम्हारा भाई हो चुका है अपने उम्र से 20 साल छोटा, 21 साल का हूँ, एक साल का हो गया हूँ मैं। आए भाई सैंडविच जंक्शन, देखते हैं क्या क्या खाते हैं यहाँ पे। दीदी का प्रमोशन, हम लोग बोले चलो यार हम लोग भी घूम के आए थे, मज़ा नहीं आ रहा था मोमोज के उसमें ओपनिंग में। देखते हैं भाई क्या होता है वहाँ आगे, और चीज़ देखते हैं। ये भाई आ गया अपना खाने पीने सामान, और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है। और यार एक चीज़ है जैसे मैं देखा हूँ अपने कम्युनिटी में, और मतलब अपनी उम्र वाले देखा हूँ यार, अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है अपने व्लॉग्स पे। शुरू में मेरे को इतना ज़्यादा अजीब लगता था कि यार अपने 31,000 सब्सक्राइबर हैं और व्यूज़ आ रहा है 10, 20, 30, क्योंकि यार मैं 1.5 महीना हो गया तो छोड़ देता वीडियो वगैरह बनाना। बट अभी जब से मैं डेली व्लॉग्स कर रहा हूँ भाई, क्या सपोर्ट दे रहे हो यार आप लोग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, प्यार आता है तभी तो यार मन और मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ यार और वीडियो बनाना, और चीज़ें करना। तो अभी हम लोग मिलेंगे रायपुर के एक इन्फ्लुएंसर से, स्पर्श भैया से। पता नहीं आए या नहीं, पता नहीं वो आए या नहीं, मेरे को भी नहीं पता। बोल तो रहे हैं आएंगे, भैया नहीं बुलाया था, और बहुत दिन से प्लानिंग था खैर मिलने का, बट मिल नहीं पा रहे थे, तो आज ऐसा हुआ है। उन्हीं के लिए आया हूँ स्पेशली मैं तो, बोला जाए तो देखते हैं, मिलते हैं भैया से, मिलवाएंगे आपको व्लॉग में मिलवाएंगे, ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं और जा रहे हैं मैजिक मोमोज। अच्छी जगह है, पता नहीं कैसी जगह है भाई, अभी तो पता नहीं चला, प्रमोशन वमोशन आएगा तो बताएंगे कैसी जगह है। अभी जा रहे हैं हम लोग स्पर्श भैया से मिलने, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है भैया ही बुलाए हैं, भैया ही बोले हैं तो भाई मिलना तो बनता है। और हम लोग कब से प्लान हो रहा था यार भैया और मेरा कि यार मिलेंगे, बट एक स्पॉट नहीं समझ आ रहा था, कभी मैं बिजी कभी भैया बिजी। भैया बड़े लोग हैं, बिजी ज़्यादा रहते हैं, हम तो पहले लोग हैं घूमते फिरते रहते हैं। चलो अभी चलते हैं और आगे का कार्यक्रम दिखाते हैं कैसा रहता है। तो भाई देख लो ये दोनों मेरा भाई लोगों में कंपटीशन चल रहा है, ये भाई में अलग कंपटीशन चल रहा है, ये भाई में अलग कंपटीशन चल रहा है पूरा। ये देखो इन लोगों को ज़्यादा पैसा भी लग रहा है। ओ भाई फुल कॉम्पिटिशन चल रहा है, क्यों भैया भैया। और मतलब मैं मेरा बहुत दिन से प्लानिंग हो रहा था कि हम लोग मिलेंगे मिलेंगे, पर स्पर्श भैया इतने बिजी हैं कि मिलते ही नहीं है। नहीं भाई ऐसी बात नहीं, भाई के लिए फ्री रहते हैं हमेशा। हाँ बस लेकिन ये ब्लॉग बनाने में बहुत बिजी रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, मेरे ऊपर क्लिप डाल रहे हैं। अच्छा अच्छा भैया कंपटीशन करवा रहे हो आप तो ये दोनों में भाई लोग में। आप लोग देख रहे हैं इसका ब्लॉग डेली आ रहा है तो कौन बिजी है आप बताओ। स्पर्श ग्लोबल वाले भैया आपको पता है, आप कमेंट में बताओ कौन बिजी है। सही बात है भाई, बेचारा इन लोगों को ज्यादा पैसा दिए क्या, मना करने के बाद ही बना रहे भाई साहब, मजा आया भैया। आप ट्राई किए यहाँ का आइटम्स? ट्राई तो किए। क्या है बेस्ट? मेरे को यहाँ पर मतलब चिकन का आइटम बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, चिकन मोमोस वगैरह हो गया, इसके अंदर की स्टफिंग बहुत बढ़िया रहती है इसकी, और काफी बड़ा बड़ा हैवी रहता है। अच्छा ऐसा है, मतलब एक प्लेट खाओगे पेट भर जाएगा। और प्राइस वगैरह कैसा है? कैफे में है, और मोमो जैसे लोगों के दिमाग में मिथ है मोमो एकदम सस्ता होना चाहिए। हाँ। बट लेकिन अगर यहाँ पर खाओगे ना, प्राइस आपका वो कंसर्न हट जाएगा, लाइक महंगा। लेकिन 120 रुपए में चिकन मोमोस मिलता है स्टीम वाला। अच्छा, बहुत बढ़िया, इतना बड़ा बड़ा साइज का मोमो 8 पीस, वो भी स्ट्रीट में खाओ कहीं और भी हो 70-80 रुपए का तो ऐसे ही मिल जाता है, पर लेकिन ऐसे अच्छी जगह। अच्छा एक चीज़ और कि इधर साइड से मैं आपको लेता हूँ कि भाई आप लोग मतलब बहुत लोग के मैं देखा हूँ भैया कि भैया क्रश होंगे बहुत लड़कियों के, वो तो होगा ही वैसा वाला सीन। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप लोगों को पूछना होगा, बताना भैया से जरूर पूछेंगे। क्यों भैया वैसे आपकी शादी वादी कब हो रही है भैया? नहीं अभी नहीं होगी, अभी सेटल होंगे। जब तक अकाउंट में कुछ ना कुछ अच्छा खासा लाख दो लाख महीने में दिन में सही बात आए तो सही बात, मजा नहीं आएगा। सही बात है। और भैया फूड ब्लॉगिंग जैसे आपका पेज क्या है, प्रॉपर फूड ब्लॉगिंग के ऊपर है पूरा एक्सप्लोर वाला चीज है? एक्सप्लोर विद स्पर्श इसी के लिए स्टार्ट होता है कि सारा चीज कवर हो सके। बट लेकिन मैं कोविड के पहले स्टार्ट किया था तो उस टाइम तो था कि सारा चीज कवर करना है, फिर कोविड आ गया 2020 आ गया, फिर घर में बैठे बैठे क्या करे,
खाने का स्टार्ट किया था। वहाँ से फिर खाने खाने के एक दो साल खाना का चला 2021 तक। फिर 2022 में मैंने स्टार्ट किया अपना अलग जॉनर जो मैं सोचा था। मेरी वीडियो वायरल हुई वंदे भारत की, हाँ, वंदे भारत बहुत बहुत वायरल हुई, तो मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस आया, हाँ, जो मैं माइंड में सोचा था, हाँ। तो फिर वो उस टाइप से बूम हुआ और अभी सब चीज़ कवर कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहा हूँ, सब एक्सप्लोर कर रहा हूँ। यूट्यूब क्यों नहीं कर रहा आप? यूट्यूब कर रहा हूँ, यूट्यूब में भी चैनल है एक्सप्लोर विद स्पर्श का, बिल्कुल मेरे को सब्सक्राइब करना। भाई को लगता है कि जो ब्लॉगर्स होते हैं वो अपना प्रमोशन कहीं मतलब करना जरूरी है, है ना? वैसे सही बात है यार, हम भी मिलते हैं कहीं भी, प्रमोशन तो मस्त है यार, हम भी दूसरे का प्रमोशन करते हैं, खुद का प्रमोशन नहीं करता तो कहाँ भाई। अच्छा वैसे एक मिथ बहुत ज्यादा रहता है कि बड़े ब्लॉगर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाले होते हैं, तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि स्पर्श भैया और मेरी बातचीत बहुत ही एक नॉर्मल तरीके से हुई थी, कहीं कोई वो नहीं। भैया बाकायदे कमेंट वगैरह भी करते हैं मेरे पोस्ट पे। धन्यवाद। तो अरे किसी को सपोर्ट करने से थोड़ी छोटे हो जाएंगे भाई, सपोर्ट करोगे तभी हमें सपोर्ट मिलेगा, मतलब वही है गिव एंड टेक, गिव एंड टेक हर चीज में वही है, हर चीज में वही है भाई, गिव एंड टेक वाला ही सब। ठीक है फिर वो लोग, फिर भाई लोग को लगता है ट्रिप को ही देखे गए, फिर बजाना चालू कर दिया भाई लोग, भाई साहब ये वाले भाई को बहुत ज्यादा जोश है, अच्छा है भाई बजाए बजाए, इन लोगों का काम ही है तो भाई और क्या करेंगे। सो गाइस अभी आ चुके हैं हम लोग घर, एंड घर आके इतनी ज्यादा खुशी मिलती है मुझे, मतलब लोगों को बाहर जाने से खुशी मिलती है, लोगों को बाहर जाने से खुशी मिलती है, क्या कह रहा हूँ मम्मी, लोगों को बाहर जाने से खुशी मिलती है, मेरे को घर आने से खुशी मिलती है। हाँ तो कुछ दिन पहले तुमको भी बाहर जाके खुशी मिलती है। के बाहर जाने जिंदगी तो बर्बाद कर दी मम्मी, मम्मी जिंदगी मुझे आगे नहीं बढ़ने दी ना, अगर मम्मी ही मुझे आगे। अच्छा ये बता देना कि कोई बच्चा अकेले रह के आगे बढ़ता है सब तो कमेंट करके बताना प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है। इंडिपेंडेंसी लाइफ में बहुत जरूरी है, नहीं होता है हम हर चीज तो तुमको दिए, क्या नहीं दिए बताओ। नहीं मम्मी आप नहीं समझोगी, पता चल रहा है कि वो हार्मफुल एक्ट में वो यूट्यूब वाले ब्लॉक कर दे रहे वीडियो की, हाँ तुम्हारी मम्मी तुम्हें चक्कू दिखा रही है, तुम्हारी मम्मी डेंजर, कार्यवाही हो जाएगा क्या पता, फांसी की सजा किसको तो अच्छा लगा। आनंद मेरा लाडला है, मैं इसको कभी हाथ से नहीं मारी हूँ, मारी हो चक्कू से एक बार, मम्मी मारी है मेरे को एक बार, मत करो फालतू है वो हो जाएगा। तो आया मम्मी, मजा आया, मिला कुछ लोगों से। कौन कौन था? थे कुछ कुछ लोग थे, स्पर्श भैया थे। देखो मेरे को नहीं ले गया, मैं भी एक ब्लॉगर हूँ और मेरे भी 700 सब्सक्राइबर है। 700 कितने? 600 कुछ है हमें, 675 है। हाँ मम्मी क्या एक और बढ़ गया यार, वाओ वेरी नाइस मम्मी सब्सक्राइब। वैसे आज एक भाई है, मैं पूछ रहा था कि आपकी मम्मी क्या चैनल है, आप तो बोलते हो वीडियो में, अब क्या है? तो मम्मी के भाई सविता ब्लॉग्स नाम से, वैसे दिखेगा नहीं यार, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मम्मी का चैनल, थोड़ा सा कम सब्सक्राइबर हो रहा है तो ऊपर नहीं मिलता। खैर अच्छा लगा मिल के, आए कुछ कुछ अच्छे एक्सपीरियंस रहते हैं, कुछ बुरे एक्सपीरियंस रहते हैं भाई। और आनंद का टी शर्ट का बताना, हाँ कल ही लेके आए हम लोग ये वाला टी शर्ट, और आज पहन लिया, दिखाया था ना ब्लॉग में पापा के लिए जो जो गिफ्ट वगैरह लाए थे उसमें से मैं भी अपने देख लिया था, तो मस्त कंपनी का है यार। तुम्हारा भाई अब एम पहनने लग गया, एल से क्यों मम्मी? हाँ और पापा एक्सल में आ गए, पापा एक्सल में आ गए, मैं 3XL से डबल एक्सल में आ गई। झूठ बोल रही मम्मी, डबल एक्सल से, मम्मी डबल एक्सल से ट्रिपल एक्सल आ गए। नहीं 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 मम्मी डबल एक्सल से ट्रिपल एक्सल आ गए, मैं जो बोल रहा हूँ मानो। मम्मी मैं कल अपने कपड़े का फोटो खींच के भेजूंगी, मम्मी का वेट बढ़ गया भाई, मैं खैर जो भी सब एक्सपीरियंस अच्छा था मेरे, कुछ लोगों से मिले कुछ लोग ठीक है यार। अच्छा एक्सपीरियंस था, वैसे मैंने देखा कि कुछ इन्फ्लुएंसर अच्छे होते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर और अच्छे होते हैं, और कुछ इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छे होते हैं। हम किसी को खराब नहीं बोलते भाई, हमारा क्या है, हमारे पैसे से थोड़ी खा रहे, हमारे पैसे से थोड़ी बना, बट ठीक है यार, हर टाइप के लोगों से मिलना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ लोग बोला जाए तो छोटे कपड़े पहन के वीडियो बनाते हैं और वो अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझते हैं, भाई पता नहीं तुम किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, बट ठीक है जो भी है, खैर अच्छी बात है। मैं आके आया है और घर में खाना खा रहा है, मैं यार क्या दिक्कत है कि भाई वहाँ नॉनवेज था, नॉन वेजिटेरियन जगह पे भाई, ना हम प्रमोशन ले वहाँ का नॉन वेजिटेरियन जगह का, और ना करते हैं यार, नहीं खाते तो नहीं खाते यार, घर आके खा रहे हैं क्या करेंगे। ड्रिंक पिया था एक मोजीतो था, कौन से फ्लेवर का था, मिंट था शायद, तो मोजीतो वगैरह लेते, मैं खाया कुछ नहीं हूँ,
घर आके चाउमीन खा रहे हैं, देख लो